भाई जान अभी तक फंसे हुए हैं, देखें ये मार रहा है जमीन में बांस, तो बस बार बार घूम के उसी जगह पे पहुंच जाते हैं, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, इनके घर है और ये कच्चे मकानों में रह रही हैं। देखें कच्चे इसी तरह के गारे के मकान है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SHR व्लॉग्स। घर से बाहर निकले हुए हैं मैं, चाचू और ये सारे आमिर वगैरह, इमरान वगैरह। तो हमें लग रहा था रोज़ा, तो आज अचानक प्रोग्राम बन गया क्योंकि मौसम सही हो गया। देखें बादल शादल आ गए हैं, तो हमारा अचानक प्रोग्राम बना है कि यार चलो टाइम पास भी हो जाएगा। और आज हम आए हुए हैं दरियाए सिंध, मतलब बड़े दरियाए सिंध की सैर करेंगे। और यहीं यहाँ के किनारे ना लोग रह रहे हैं, मतलब कच्चे घरों में, तो आपको वो उनका सारा रहन सहन भी दिखाएंगे। सबसे पहले अब हम दरिया की सैर करते हैं, उसके बाद जाके सैर करने के बाद आपको सारा उनका घर वगैरह दिखाएंगे, वो कैसे रहते हैं। ये इधर देखें चाचा, पानी दिखावे कितना गहरे। देखें ये भी हम किनारे पे हैं, ये तो छोटा दरिया है, तो 6-7 फुट गहरा पानी है। तो इसके बाद आगे जाके उस साइड पे जाएंगे तो वो बड़ा दरिया आएगा, तो वहाँ हर तरफ पानी पानी होता है, वो वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। ये देखें सुनसान है, बस इतनी आबादी नहीं है। शिकारी भाई हमारे साथ हैं, पीटर स्टार्ट करने लगे हैं ये। हाँ हाँ, पीटर हमारा स्टार्ट हो गया है, अब जाते हैं आगे दरिया की तरफ, आपको सारे सारे सैर करवाते हैं। इमरान सेठ बैठे, इमरान भाई क्या हाल है, रोजा लगा बैठे थे कूं यार, तो इसको बड़ा रोजा लगा हुआ है, गर्मी है यार। गर्मी है नहीं है यार, ठीक है ठीक है उस्ताद, तो हम इसका गियर लगाते हैं और चलते हैं आगे। तो जी हम चल पड़े हैं और इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें सामने थोड़ा सा ज़ूम करता हूँ। देखें दरिया के सेंटर में ये घर बनाए हुए हैं इन्होंने, और जब यहाँ फ्लड आता है ना तो ये इसी तरह यहाँ बैठे रहते हैं। बाकी आप नज़ारे चेक करें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। शिकारी भाई साथ हैं हमारे, शिकारी भाई सलाम कर दें यहाँ वीडियो में, क्या हाल है तबीयत सेहत की में। चाचा कपूर और कच्ची का मालिक है वो साथ बैठे हैं, आगे देखें जा रहे हैं फुल स्पीड में। देखें ये वाला वो घर था, ये कानों से और कच्चे गारे से बनाया हुआ है घर, और यहाँ लोग रह रहे हैं अभी भी इस दौर में, इस दरिया के साथ। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना, तो बड़े दरिया की तरफ हम जाते जा रहे हैं, ये ना अभी थोड़े से दूर जाके ना तो वहाँ बड़ा दरिया आ जाएगा। तो यह तो अभी किनारे नज़र आ रहे हैं ना, तो तब उस वक्त जब हम आ जाएंगे वहाँ उसके किनारे नहीं नज़र आएंगे। और अभी पानी नहीं आया, अभी पानी का मौसम नहीं है, अभी दरिया तकरीबन खुश्क हैं, तो आपको इस सीज़न में दिखाएंगे कि कितना पानी है उस दरिया में। सामने कछुए बैठे हैं, ये निकले हुए हैं ये। सही सन बात ले रही हैं, देखो ये बैठा, ये बैठा ये कछुए छछले निकले में। ये बड़े दरिया में हम जाते जा रहे हैं यार, यहाँ फंस गए हैं मुझे लगता है, क्योंकि ये जो कश्ती है वो बड़ी है और नीचे पानी यहाँ कम गहरा है, और अब वो हमारी जो वहाँ शाफट है ना तो वो चलती नहीं है, और ये भाई जान डंडे मार मार के बेहोश हो गया है, रोज़े के साथ इतना ज़ोर लगा रहा है, अब निकल जाएंगे पता नहीं क्या बनता है। उस्ताद क्या लगता है, निकल वैसे शक्ल तो नहीं लगता तेरी, परेशान बैठे हैं क्या यार, वो चल ही नहीं रही, वो डेंगू में खड़े उस्ताद है, रोजे नाल बुरा हाल थिया वदे। देखें यहाँ पानी नहीं है ना इतना गहरा, तो जो शाफट है ना वो नीचे जमीन के साथ लग रही है, नीचे कीचड़ वगैरह होता है, तो ये चल नहीं रही आगे।
देखते हैं, निकालते हैं इसको। दुआ निकल गए, शुक्र है। हाँ वाकई चलने लग गई है। जी ये दरिया सिंध है, हमारे इलाके का सबसे बड़ा दरिया। हमें लगता है कि हम फंस गए हैं। देखें पीटर भी बंद हो गया चलता चलता, और ये हम दरिया के सेंटर में खड़े हैं। देखें ना, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, कोई नजर नहीं आ रहा। चाचा क्या था है पीटर को? अच्छा अच्छा चल, वैसे घर पहुंच वैसे वैसा। चलो अल्लाह करे घर पहुंच जाए। चल गया चल गया चल गया। असल में ना ये जिधर पानी गहरा नहीं है तो वो चल नहीं रहा, वो जैसा उसको जो शॉपर डालते हैं ना पानी में तो वो बंद हो जाता है पीटर। देखें हम डालेंगे, ज़्यादा नीचे जाएगी तो इसने पीटर ने बंद हो जाना, और ये प्रेशर भी तोड़ देगी। देखें वो उसमें पानी में डाला हुआ, हम उसी तरह रुके हुए हैं, हम चल ही नहीं रहे। तकरीबन हमें आधा घंटा हो गया हम इसी जगह पे बस फंसे हुए हैं, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। देखो आगे क्या बनता है, जान अभी तक फंसे हुए हैं। देखें ये मार रहा है ज़मीन में बांस, तो बस बार बार घूम के उसी जगह पे पहुंच जाते हैं, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, एक ही जगह पे बस घूम रहे हैं पागलों की तरह। मुझे तो लगता है कि एक ही जगह पे खड़े हैं। और देखें सामने एक और कश्ती वाला, मुझे लगता है इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन वो तो दूसरे साइड में चला गया है। और वो तो दूसरी साइड पे जा रहे हैं, चलने लग गए हैं, चलने लग गए हैं। तुम चलती नहीं भाई? हाँ चलने लग गई है। तो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, देखिए उस साइड पे दरिया है और इस साइड पे दरिया है। ये सेंटर में ना ये भाई जान का किसी का रकबा है, तो ये देखें सामने वो बंदा आया हुआ है और वो वहाँ पानी लगाया हुआ है उसने। और ये सामने ये देखें ये बंदा खड़ा है, और ये दरिया में आया है, पता नहीं कैसे आया है, और यहाँ के इसको ये गंदम लगाई हुई है, उसको ये पानी लगाया हुआ है इसने। ये सारा दरिया है इस साइड पर, और उस साइड पर सारा दरिया, यहाँ इसकी थोड़ी सी ज़मीन है सेंटर में, और ये उसी को इसने पानी लगाया हुआ है। बड़ी बात है, हिम्मत की बात है, पता नहीं कैसे आता है। और ये आया कैसे होगा, ये आया कैसे होगा, किश्ती तो आया होगी, इनकी अपनी कश्ती हो सी अपनी होती, पता नहीं क्योंकि कश्ती वगैरह पे आया हुआ है। वो देखें वहाँ जा रहे हैं ना, देखो पानी लगाया हुआ है, तैर के आया होगा। जहाज जहाज ये जहाज, यही तो जहाज है वो ना, कहते हैं क्या एक हवाई जहाज पे जंप नहीं लगता, एक इस वाले जहाज पे जंप नहीं लगता। ये रहा वो बंदा, पीटर चल रहा है, तो पानी इसने लगाया हुआ है। ये सारा यहाँ ना दरिया ने कटाव किया हुआ है, सारी जरी जमीन अपने अंदर दरिया ने बहा के ले गया, और ये दरिया फैलता जा रहा है। और ये देखें इधर इनका जुगाड़ किया हुआ है किसान भाई ने, ये पीटर लगाया हुआ है, पाइप सीधा देखें दरिया के अंदर है, दरिया वाला पानी सीधा फसलों को लगा रहा है। ये देखें पाकिस्तानी जुगाड़ है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। सही है भाई, मुफ्त का पानी लगा रहा है बस पीटर चला के, ना बोर किया हुआ है ना कुछ है, और ये पानी लगाया जा रहा है। बाकी आप एक देखें कटाव देखें कितना किया हुआ है, सारा ये ज़मीन ये अपने अंदर लेके गया हुआ है दरिया, मतलब कितना ख़तरनाक दरिया है ये। और फिर उसके बाद कोई उम्मीद नहीं होती कितने साल तक ये आपकी ज़मीन दरिया में पड़ी रहे, निकलती ही नहीं है, क्योंकि दरिया का कोई अता पता नहीं होता। देखें ये सारे जितना भी है ना आपको रकबा नज़र आ रहा है, ये सारा ज़रई रकबा है, ये सारा लोगों का ये लोगों की ज़मीन है जो अब दरिया के अंदर आई हुई है। ओए मोड़, ओए उतना चढ़ें दे, मोड़ कश्ती को। नवा ड्राइवर बैठ के ये पहले अल्लाह अल्लाह करके निकले हैं, फिर ये मुझे फंसाता है। ओए मोड़ गिन। हाँ 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 मुड़ती आ रही है, खौफे खुदा कर। तो जी हम दरिया के सेंटर में पहुंच गए हैं, ये आ गई हमारी कश्ती। ये देखें इधर ये सारा दरिया है, इस साइड पे भी दरिया है, और इसके पीछे भी सारा दरिया है। तो ये सेंटर में बस थोड़ा सा ये टुकड़ा है जो है खुश्क, और इधर हमें ज़रा उतरे हैं। ये देखें आप यहाँ सारा
पानी पानी होता है, गर्मी में फुल पानी होता है। इस साइड पे ना देखते हैं ये कटाव हो रहा है, तो ये अभी थोड़ी थोड़ी देर बाद ना ज़मीन ये दरिया में आ रही है, अभी भी अभी देखना अभी यहाँ गिरेगी आवाज़ आएगी आपको। तो इस साइड पर कटाव लग रहा है और उस साइड पर वो सामने मैं आपको दिखाता हूँ, सामने ना वो जो एक झोंपड़ी बनी हुई है, ये देखें ये ढा लगी है। तो सामने ना उस साइड पे ये देखें आपको झोंपड़ी नज़र आ रही है। तो यहाँ शिकार वगैरह करते हैं लोग, लेकिन वो मुर्गा भी का शिकार होता है सुबह के टाइम, तो उन्होंने अपनी ये झोंपड़ी बनाई। और सामने जूम हो गया, ये देखें ये जो काला काला आपको नज़र आ रहा है, तो ये इनका जानवर भैंसे वगैरह फिर रही हैं। और इस साइड पर अगर हम आगे जाएँगे तो इधर हमारा तोंसे का इलाका शुरू हो जाएगा, मतलब ये दरिया के एक साइड पर तोंसा एक साइड पर लिया है। तो यहाँ देखें सारे हम निकले हुए हैं और ये देखें ढा लगती जा रही है, मुसलसल ढा लगती मैं दी किडे केड़ी। हाँ वो शिकार वो आपको करीब जाके दिखाते हैं, वहाँ लोग शिकारियों का कैंप है, मुर्गा भी तो शिकार होते हैं ना, तो वहाँ मुर्गा भी का शिकार होता है, वो आपको सारा कैंप दिखाते हैं। शिकार इस वक्त होता नहीं रहा, शिकार हो रहा होता तो वो भी आपको दिखाते हैं। ढह वैसे ये लगी ओ लगी क्यों? मैं तभी जीवन को जी हाँ, अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई ना, बस दोनों कमा रहे हैं और बच के। तो आपको वहाँ जाके दिखाते हैं, काफ़ी सारा चल के कश्ती हमारी वो खड़ी है, तो यहाँ आ गए हैं। ये देखें ये है झोंपड़ी इन्होंने जो बनाई हुई है कैंप, और शिकारी सारा दिन यहाँ बैठे रहते हैं। अब तो वैसे भी सीज़न एंड हो गया है और यहाँ ना शिकार करते हैं मुर्गा भी का। देखें इस तरह हटें देखें, ये सामने कारतूस वगैरह पड़े हैं, बेंच रखा हुआ है, ये सारे बेंच हैं और ये इस तरह की बनाई हुई होती है। तो जैसे कोई मुर्गा भी वगैरह नज़र आती है तो उसका ये शिकार करते हैं। ये देखें दरिया के दरमियान में यहाँ आते हुए बड़ा टाइम लग गया हमें, और ये सुबह आते हैं और रात को जाते हैं यहाँ से। शिकार का सीजन तो एंड नहीं हो गया, शिकार का सीजन वैसे अब एंड हो गया। हाँ कभी कभार आ जाते हैं तो ये उसी लिए बनाया हुआ है, वरना सर्दियों में तो फुल सीज़न होता है, मुर्गाबी का दिन रात यहीं बैठे रहते हैं, शिकार करते हैं। बाकी आप माहौल देखें, वो सामने वो वाले जो जानवर चल रहे हैं, और ये सारा दरिया का रकबा ये देखें सारा, यहाँ अभी गर्मियों में ना सारा पानी होगा। बाकी लोगों की ज़मीनें हैं, उन्होंने अपना वहाँ पानी लगाया हुआ है। बड़ा अब इसके बाद बड़ा रिलैक्सिंग माहौल है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है। यहाँ जूते मैंने उतारे हुए हैं, कीचड़ में चल रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है, देखें आप। देखें सामने कश्ती आ रही है, चार पाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं, ये शिकार ही हैं, मतलब जो मछली वगैरह का शिकार करते हैं, छोटी कश्ती है। बाकी ये हमारी यार, हम एक घर में पहुँचे हैं, देखें सामने घर है, इस साइड पे भी दरिया है, सामने ये दरिया है और इस साइड पे भी दरिया है। ये दरिया के दरमियान में एक छोटी सी मतलब टुकड़ा है ज़मीन का, तो वहाँ ये घर बना हुआ है। देखें कच्चे मकान है ये सारे के सारे, और ये इन भाई जान का घर है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? क्या हाल है भाई? तबीयत सेहत की? अच्छा ये दसाओ, ये तुम्हारा इतना पानी शानी आंदे? ये स्लैब दी बहुत बर्बादी हुई सर। अच्छा तो की में गुजर बसर करें देखड़े बात, इतना ना बिजली है ना पानी है ना रोड है, पूरे सोलर फैन है। अच्छा जी, मतलब नुकसान वगैरह थोड़ा बहुत है। देखें कच्चे घर बनाए हुए हैं, इस साइड पे ये इन्होंने ये कानों की ये बनाई हुई है, इसके अंदर ना इन्होंने जो होता है भूस वगैरह वो स्टोर किया हुआ है। और इधर ये देखें कच्चे इनके कमरे हैं, अंदर जाते हैं आपको इनका माल शाल भी दिखाते हैं और बाकी इनके कच्चे कमरे वगैरह वो चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। ये इनके घर हैं और ये कच्चे मकानों में रह रही हैं, देखें कच्चे इसी तरह के गारे के मकान हैं, और ना बिजली है ना पानी है, कच्ची छतें हैं, तो इस तरह इन्होंने गुजर बसर किया हुआ है। और ये हर साल ढाई में देसन है ना, दोबारा बनाने पड़ते हैं। हाँ मतलब जब पानी वगैरह आता है ना तो ये इनके जो कमरे वगैरह हैं सारे गिर जाते हैं सैलाब की वजह से, तो ये दोबारा बनाने पड़ते हैं। तो जब पानी आता है कहीं और शिफ्ट हो जाते हो? नहीं बस यहीं रहते हैं। इतना ही बैठे रहते हो? अच्छा और की जगह नहीं।
और इनके पास कोई जगह नहीं है, बस ये पानी में इसी तरह बैठे रहते हैं, मच्छर वगैरह बड़े होते हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब यहाँ सारे इलाके में पानी होगा, सेंटर में घर होगा, तो ये किस तरह रहते होंगे। तो बड़ा मुश्किल है यहाँ रहना, तो आपको ये दिखाना था कि बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी वगैरह गुजार रहे हैं। और अगर कोई गवर्नमेंट वाले हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए अपील है उनसे कि काइंडली इनके लिए भी कोई इकदाम उठाएँ। ना यहाँ हॉस्पिटल है, ना यहाँ कोई स्कूल है, ना यहाँ कोई कॉलेज है, ना यहाँ कोई रोड है। इनके लिए आना जाना बड़ा मुश्किल है। ये अगर इनका खुदा ना खासा कोई बंदा बीमार हो जाए तो शहर तक आते हुए इनको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इनकी हेल्प के लिए कुछ ना कुछ आगे इकदाम उठाएं। दरिया है और बैक साइड पे भी दरिया, और ये सेंटर में इनके घर हैं, कच्चे मकान हैं। तो ये चीज़ें आपको दिखानी थी मैंने। तो यहीं मैं आज का अपना ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ आपको मेरा आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।